साल हमारा टारगेट यह है कि हमें एक लाख आम के पेड़ लगाने शुभजीत मुखर्जी नाम के एक एनवायरमेंटल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंडरटेक करने वाले एक्सपर्ट है क्योंकि हम सब लोग होते हैं जो बात करते हैं कि हमारे आसपास की जो ग्रीनरी है वो कम हो रही है और इस साल फेब्रवरी के महीने में मुंबई में एक हीट वेव जैसा सिचुएशन आ गया था आप दोनों कैसे मिले हम कॉलेज में मिले थे तो हम मिले थे आर डिसंट जब मैं टी वाई बी कॉम में थी और ये एस वाई जे सी में था एंड ही वॉज लाइक कि मैं मैं भी कॉमर्स में एजुकेशन नहीं लेना चाहता आई एम गोइंग टू ट्राई मास मीडिया सो उस मोड पे थे जब दोनों कम्प्लीटली अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाले थे बट ऐसे कुछ हुआ नहीं बट लोग हमेशा ऐसे ही चिढ़ाते थे मुझे चिढ़ाते थे कि अरे तेरा अबिराज कहाँ घंटे बीवी साथ में रहती है यार मतलब कैसा लगता थास अ वेरी बैड आईडिया कि आप आपके लाइफ पार्टनर को आपका बिजनेस पार्टनर बना दें लेकिन उसने वहां पर भरोसा दिखाया और उसने जब हम 100 रीजंस टू लव इंडिया की समय ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे पास इनकम सोर्स तो कोई था नहीं वैसी जो सारी चीजें थी तभी न्यू वाज द वन हु सेड कि ऐसे जा सिमरन जा जीले अपनी जिंदगी अच्छा। और मैं ट्रैवल करते करते राइटिंग करूंगी फ्रीलांसिंग कर कंटिन्यू करूंगी तो ऐसा पार्टनर मिलना एक काफी रेयर बात होती है अच्छा अक्सर जो यूट्यूबर्स होते हैं ना उनका टारगेट होता है एक लाख व्यूज आ जाए <laughs> एक लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए ये वाला बटन मिल जाएगा बट पहली बार मुझे ऐसे दो लोग मिले हैं दो आर कॉन्टेंट क्रिएटर जिनका टारगेट तो एक लाख है बट ये टारगेट व्यूज का नहीं है ये टारगेट सब्सक्राइबर्स का नहीं है किस चीज का टारगेट है ये आई थिंक अभी और न्यू से खुद ही जानते हैं तो बताइए क्या आपने टारगेट रखा है एक लाख तो इस साल हमारा टारगेट यह है कि हमें एक लाख आम के पेड़ लगाने क्योंकि हम सब लोग होते हैं जो बात करते हैं कि हमारे आसपास की जो ग्रीनरी है वो कम हो रही है हरियाली कम हो रही है और इस साल फेबर के महीने में मुंबई में एक हीट वेव जैसा सिचुएशन आ गया था कि मुंबई का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया था और वो हम सभी फील कर रहे थे और ये फेब्रवरी की ही ये बात थी तो फिर अप्रैल और मई में, में और ज्यादा इंटेंस चीजें हो रही थी तो तभी से हमने सोचा कि क्यों ना हम लोगों को इन्वॉल्व करके एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करें कि जिसमें लोग भी इन्वॉल्व हो पाए और कुछ ऐसे एक छोटी सी एक्शन ले पाए जिस एक्शन से हम भी एक सोल्यूशन का हिस्सा बन पाए तो पिछले दो सालों से हम ये प्रोजेक्ट कैरी आउट कर रहे हैं शुभजीत मुखर्जी नाम के एक एनवायरमेंटल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंडरटेक करने वाले आ, आ, एक्सपर्ट हैं तो और वो इसी चीज पर फोकस करते हैं कि कैसे छोटी छोटी बातों से हम आ, लोगों को इन्वॉल्व करके कुछ प्रोडक्टिव कर पाए तो पिछले दो सालों से जब ही पैंडमिक का सेकेंड वेव चल रहा था तभी से उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया कि मई के महीने में हम सब लोगों को आम खाना काफी अच्छा लगता है तो जो गुठलियाँ होती है वो गुठलियों का बाद में क्या होता है कि वो तो हम कचरे में उठाकर फेंक देते हैं और फिर वो लैंडफिल में जाकर वहाँ पे ही सड़ते रहते हैं हमारे मुंबई की लैंडफिल जो है वो 11 मंजिल ऊंची हो चुकी है तो और वैसे ही सेम सिचुएशन हर बड़े शहर में होता है कि शहर के बाहर ही जाने के बाद एक इतनी बड़ी लैंडफिल होती है जो बढ़ती जाती है तो क्यों ना हम उन गुटलियों का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा कर पाएं जिससे कुछ सोल्यूशन निकल पाए तो उन्होंने उनके इंस्टाग्राम पर अपील किया था कि आप हमें ये गुठलियाँ भेजिए तो हमने उन्हें कांटेक्ट किया हमने उन्हें पूछा कि क्या हम भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट श्योर तो पहले साल यानी 2021 में जब हमने ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज किया था तब हमारे कुछ 25,000 सीड्स इकट्ठा हुए थे और उनमें से कुछ 8,000 पेड़ लगे थे फिर अगले साल यानी पिछले साल 2022 में और कुछ लोगों ने याद रखा था कि अच्छा ये प्रोजेक्ट होता है वो भी हमें पूछने लगे कि क्या इस साल भी आप ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो हमने कहा हाँ क्यों नहीं तो फिर उस साल हमारे कुछ 40 पचास हजार सीड्स इकट्ठा हुए और उनमें से पच्चीस हजार पेड़ लगे तो इन टोटल अराउंड पैंतीस से चालीस के बीच में पेड़ हम पिछले दो सालों में लगा, लगा चुके, चुके थे हैं, so थैंक यू नहीं सारा क्रेडिट जो है वो शुभजीत सर को और जो सारे फार्मर्स जो है उनको जाता है क्योंकि सीड्स इकट्ठा करना तो एक काफी छोटा उसमें से पार्ट हो जाता है हम सिर्फ मैसेजर्स तक मैसेज पहुंचा सकते हैं मैसेज पहुंचाना एक बड़ी चीज है क्योंकि आपके पास एक जो पावर है पीपल नो यू पीपल फॉलो यू तो कहीं ना कहीं जब एक चेहरा सामने होता है ना तो बात कहनी आसान होती है शाहरुख खान अगर बोलेगा कि ये प्रोडक्ट ले लो

Uh, केसर आम खाते हैं अभी तो बारिश का मौसम है तो अभी uh, दशहरी आता है चौसा आता है लंगड़ा आता है राजा तो ये सारे इनका भी एक अलग टेस्ट होता है खाते so से खाते हैं एग्जैक्टली <laughs> <पूछने> <laughs> exactly. है ना इन्होंने बड़ा एक्सप्लेन किया दशहरी चौसा ये नहीं सोचते कि भाई लगा भी लो एक्टली exactly. तो, तो ये लेकिन अगर मान लो मैं हूँ मैं आपकी इस ड्राइव का हिस्सा बनना चाहता हूं या मेरे जैसा कोई आम इंसान है जो चाहता है कि वो अभी और न्यू के साथ आकर वो भी इस ड्राइव का हिस्सा बने वो किस तरह से बन सकता है तो हमने अप्रैल में ये कैंपेन लॉन्च किया था जो कैंपेन अराउंड तीन महीनों के लिए चला कि हमने लोगों को कहा कि आपके जो सीड्स होते हैं उन्हें ठीक से धोइए फिर उन्हें धूप में थोड़ा सुखाइए और फिर सूखने के बाद आप हमने एक एड्रेस हमारे वीडियो में मेंशन किया था वो एड्रेस मैं आपको भी दे दूंगा तो फिर अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि इस जगह पर वो आम भेज लें तो ये हमारा कैंपेन जो है वो मिड अप्रैल से अराउंड जुलाई के मिड तक चला अभी वो कैंपेन इट विल बी कमिंग टू एन एंड बिकॉज अभी जैसे बारिश शुरू हो जाएगी तभी उनकी जो प्रोसेस है उसका एक पार्ट खत्म हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे Uh, अभी मैं शुभजीत सर से वापस एक बार कंसल्ट करूंगा उन्हें पूछूंगा कि अभी अगर लोगों को भेजना है तो फिर क्या हम फिर भी कलेक्ट कर सकते हैं क्या उनका कोई इस्तेमाल हो सकता है यूज हो सकता है नहीं तो ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि हमारे हम जो इतना एफर्ट लेके पोस्ट कर रहे हैं उसका बाद में कुछ भी ना हो तो, तो वैसा हो नहीं आ, अभी तो हमने तीन लाख सीड्स कलेक्ट okay, किए हैं अराउंड तीन लाख के आसपास क्योंकि लोग आते जा रहे हैं और अभी जैसे कैंपेन टूवर्ड्स एंड हो रहा है तो फिर हर दिन बहुत ज्यादा ये आते जाते प्लस uh, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो uh, बारिश शुरू हो जाने पर वो आम खाना बंद कर देते हैं तो uh, बारिश तक काफ़ी लोगों ने सीड्स कलेक्ट किए हुए थे अभी थोड़ा सा टेपर ऑफ़ होगा क्योंकि कई लोग खाते नहीं है ये जो uh, बारिश में आने वाले आम होते हैं वो वाले वेराइटीज़ काफ़ी लोग नहीं खाते बट uh, uh, शुभजीत सर जो कर रहे हैं व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ कि उन्होंने uh, काफ़ी लोग भी इंटरेस्टेड थे कि हम हमारे एरिया में ऐसे शुरू कर सकते हैं कि नहीं वैसे उन्होंने नासिक में भी एक नर्सरी वैसे ओपन की है तो लोग वहाँ पर भी भेज सकते हैं अगर मुरबाड़ में भे नहीं भेज पाए तो क्योंकि बारिश बहुत हो रही है तो आ, अभी जो सीड्स हमने कलेक्ट किए हैं तीन लाख तो अभी आ, उन्हें प्लांट तो वैसे कर ही रहे थे वो लोग तो उनमें से काफ़ी सारे जर्मिनेट हुए हैं कुछ ऐसे सीड्स हैं जो जर्मिनेट नहीं होंगे कुछ ऐसे होंगे जो जर्मिनेट होंगे ग्रो होंगे और फिर कुछ महीनों बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो वैसे ही होता है अगर हम लगाते हैं सीड्स मैंने भी खुद ट्राई किया था ट्वेंटी में तो मेरे ट्वेंटी टू सीड्स जर्मिनेट तो हुए थे लेकिन एक साल के बाद सिर्फ पाँच छः ही बच पाए तो जर्मिनेट काफ़ी हुए थे लेकिन वो लास्ट नहीं हो पाए एक साल तक आई थिंक इट्स सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट तो फिर कुछ लास्ट करते हैं कुछ नहीं करते तो अभी के लिए तो वो प्रोसेस चल रहा है जैसे सीड्स मिल रहे हैं उनको वो लोग प्लांट भी कर रहे हैं अभी तो बारिश का मौसम है देन आई थिंक जर्मिनेशन ज़्यादा तेज़ी से होगा बट कितने एक्चुअली uh, वो एक साल का जो पीरियड है उतने करेंगे वो, वो तो दैट ना ना तो, ये थाने के थोड़ा सा आगे जाने के बाद मोरबाड़ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो बिलो द पॉवर्टी लाइन फार्मर्स हैं, उनको ये जो सैपलिंग्स है वो अगले साल डोनेट किए जाएंगे तो फिर मैं एक प्रोसेस शॉर्ट में समझा देता हूँ कि पहले तो जैसे हमारा काम है लोगों तक मैसेज पहुंचाना हमने खुद भी इन्वॉल्व होके खुद भी हमारे सोसाइटी में सीड कलेक्शन ड्राइव वगैरह किया और सीड एक बार कलेक्ट हो जाने पर हम इंडिया पोस्ट से वो सीड्स उनको भेजते हैं तो सबसे पहली बात तो जो सीड्स कचरे में जाने वाले थे जिससे लैंडफिल बढ़ने वाला था वो नहीं बढ़ा तो वो उतना कचरा हम लोगों ने रोका और लिटरली हम आपको अभी भी दिखा सकते हैं हमारा लास्ट बैच अभी यहाँ पर बा, बाहर है तो फिर वो सिर्फ एक घर से आए हुए आम का कचरा है यानी कचरा नहीं वो अभी आ, क्या बोलते हैं वो खजाना है एक्चुअली वो लेकिन वो खजाने में कन्वर्ट करने का काम वहाँ पर जाके वो फार्मर्स कर रहे हैं वो किसान कर रहे हैं तो पहली बात तो ये होती है कि ये जो कचरा कचरा नहीं होता ये ख़जाना बन जाता है दूसरी बात ये होती है कि पेड़ लगते हैं कि आ, हम हमेशा बात करते हैं कि आ, आसपास होने वाली जो गर्मी बढ़ती गर्मी है उससे परेशान तो हम सब होते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हम सल्यूशन का हिस्सा कैसे बने तो लोगों को सल्यूशन का हिस्सा बनने का एक मौका मिलता है ग्रीनरी बढ़ती है और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आने वाले पाँच छः सालों में बिलो द पॉवर्टी लाइन जो फार्मर्स रहेंगे जो गरीबी रेखा के नीचे होने वाले फार्मर्स रहेंगे उनके लिए एक इनकम का सोर्स बनेगा क्योंकि तीन साल पहले जो हमने आम लगाने की शुरुआत की थी अभी इस साल जब हम वो प्रोजेक्ट के साइट पर गए तब हम देख पाए कि वहां पर अभी उनको आम आने शुरू हुए तो एक दो साल बाद वो ऐसे आम क्रिएट होंगे जो वो एक्चुअली फार्मर्स बेच पाएंगे ये ऐसे फार्मर्स नहीं है ऐसे किसान नहीं है जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं वहाँ पर जाने के बाद ऐसे दिखता है कि शायद किसी किसान की हमारे जो हमारा जो स्टूडियो है उतनी ही बड़ी जमीन है तो वो उसमें दो तीन पेड़ लगा सकते हैं तो फिर वो दो तीन पेड़ों से अगर वो एक साल में बीस पच्चीस चालीस अगर आम वो बना पाए और फिर उनके गाँव में वो बेच पाए तो फिर वो उनके लिए एक एडिशनल इनकम हो जाता है तो फिर ये तीसरा तीसरा लेयर ऑफ गुडनेस हो गया और एक चौथा लेयर जो हमने वीडियो बनाते हुए प्रेडिक्ट नहीं किया था वो ये हो गया कि हमें बहुत सारे बच्चों ने उनके सीड्स कलेक्शन ड्राइव के फोटोज भेजे और वो भी काफ़ी क्रिएटिवली भेजे डिज़ाइन करके भेजे पेड़ों के शेप में आम की गुठलिया ये करके भेजे तो फिर उससे होता यह है कि हम हमेशा ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो नई जनरेशन है उनका नेचर के साथ जो कनेक्शन है वो छूट रहा है हम शहरों में रहते हैं हमारे पास कुछ ही सोसाइटीज में थोड़े बहुत गार्डन होते हैं तो मिट्टी में हाथ डालना भी एक काफी ऐसे हो जाता है कि नहीं डालना मिट्टी में हाथ डालने से बीमारियां फैल जाएंगी लेकिन एक्चुअली हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो मिट्टी में ही पले बढ़े सब खेल भी वहां पर खेले हुए हैं लेकिन वो तो ठीक ठाक ही थे तो ऐसे तो नहीं है जैसे न्यू हमेशा कहती है कि मिट्टी का जो है वो ब्रांडिंग का प्रॉब्लम है yeah. कि Mm -hmm. मतलब हमें तो यही लगता है कि अगर हाथ में मिट्टी लग गई तो फिर धोते हैं तो फिर भी कुछ निकलता है तो फिर वो हमें गंदा लगता है बट प्रॉब्लम वही है कि हमें लगता है कि वो गंदा है बट एक्चुअली मिट्टी से हमारा खाना आता है अगर मिट्टी नहीं होगी तो खाना नहीं होगेगा खाना नहीं होगा तो फिर हम नहीं होंगे हम बाकी सारे काम करते हैं तो फिर आ, वी हमें यही लगता है एक्चुअली कि वो जो ब्राउन कलर है ना वो डर्टी ऐसे मानते हैं हम लोग धूल मिट्टी हम इसको लाइक सबकॉन्शियसली सेम कैटेगरी में डाल देते हैं इवन दो मिट्टी इज लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जीव जंतु भी होते हैं सो देन वैट्स वॉडाई सेक इट्स अ ब्रांडिंग प्रॉब्लम हम बच्चे थे तो हमने तो बहुत मिट्टी में वगैरह हाथ डाले खेले So, तो जैसे कभी भी कोई भी हमें सवाल पूछता है कि अरे कितने सीड्स इकट्ठा हुए कितना क्या प्रोग्रेस हुआ तो जब इतना सारा ये देखने के बाद भी हम उन्हें कहते हैं कि हाँ इतने हो है, से इतने पेड़ लग पाए तब उन तक ये मैसेज भी पहुंचता है कि एक पेड़ लगाना भी कितना मुश्किल होता है right. तो यही जो हमारी जनरेशन है वो आगे जाकर सोसाइटी uh, रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेने वाली है कोई कोई कंस्ट्रक्शन में जाने वाला है कोई सिविल सर्वेंट बनने वाला है हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑडियंस है वो आगे जाकर इतना मच्योर बने कि आगे जाकर अगर उन्हें एक डिसीजन लेना हो कि सोसाइटी में इतनी जगह गार्डन के लिए छोड़नी है या नहीं तो उनको ये याद रहे कि एक पेड़ काटने में जितना समय लगता है उससे हजार गुना ज्यादा समय एक पेड़ उगाने में लगता है तो ये जो मैसेज है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे डायरेक्टली अगर हम किसी को बताएंगे तो वो ऐसे उपदेश हो जाएगा एक लेक्चर हो जाएगा वो तो और वो भूल आजकल देखा जैकी श्रॉफ जहां भी जाते हैं तो वो एक पौधा हाँ। अपने साथ लेके चलते हैं करेक्ट करेक्ट सही बात तो वो कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग दे रहे हैं सही बात वो ये बोल रहे हैं कि ये मैं अपने बच्चों के बच्चों के लिए कर रहा हूं भाई तुमको अगर वो वो तो और वो तो और बोलते भी बड़े मुंबईया भाषा में है हाँ। कि हाँ। करना है तो करो नहीं करना तो बिड़ू भाड़ में जाओ हाँ। इस तरह तो वो अच्छा लगता है कि जब भी वो कहीं जाते हैं वो अंबानी के घर भी जाते हैं तो हाथ में पौधा लेके जाते हैं वो किसी फंक्शन में जाते हैं अपने हाथ में पौधा लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ये तो उठाया है और लोग पूछते हैं ज्ञान मतलब है हम, हम लेना नहीं चाहते बेसिकली चाहे वो नहीं।, नहीं हो सकता वो ऐसे कम्युनिटी प्रोजेक्ट करके ही उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है की काफी सारा जो एनवायरमेंट रिलेटेड मैसेजिंग होता है वो ऐसे ही होता है की Uh, दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है पानी कम है uh, बाढ़ आ गई सूखा पड़ गया तो फिर इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए ये इसके वजह से हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है एक जो कॉमन इंसान है वो जनरली खुद के ही लाइफ में रैप्टअप होता है ऑफिस तक जाना काम करना वापस आना एंड फिर जो बच्चे कुछ टाइम में पर्सनल लाइफ एंजॉय करना फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना ये सारी इतने स्ट्रेसफुल जो लाइफ होती है उसमें अगर वो और मैसेजिंग पड़ता है तो फिर देन पीपल गेट डिस्कनेक्टेड तो उन्हें इन्वॉल्व करने के लिए आ, वो पूरा अप्रोच ही बदलना पड़ेगा कि आप कैसे सल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं वो जो सारे सल्यूशन्स हैं वो सल्यूशन्स को हमको थोड़ा सा यू नो पुशअप करना पड़ेगा थोड़ा और अच्छे से ब्रांड करना पड़ेगा फिर लोग खुशी खुशी उसमें इन्वॉल्व हो, हो जाते हैं जैसे अभी सीड्स के टाइम पे भी ऐसा था कि हमने कहा कि आप अपने सीड्स रखिए तो दो साल पहले भी हमने किया था पहले साल में एक दो हाउस ने किया था ये साल चार पाँच हाउस होल्ड्स ने किया और फिर हमारे ही एरिया में और लोगों ने भी कलेक्ट करके मुझे दिए सो बेसिकली इन ये इंस्टेंट नहीं होता इसका रिजल्ट मतलब जो भी कोई हो जो भी कोई एन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट हो इट टेक्स टाइम वो बार बार <laughs> उनको हिट करना पड़ता है जैसे अभी हम लोग इंस्टाग्राम पे ऐसे करते हैं कि वे आर इंस्पायर्ड बाई लॉर्ड ऑफ जीरो वेस्ट वॉरियर्स तो जब भी हम आ, किराने की दुकान में जाते हैं तो आप आपकी परचेज इस तरह प्लान कर सकते हैं कि आप आप खुद का डब्बा लेके जाइए और इतनी सिंपल सी बात है लेकिन वो मैंने काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट देखे जहाँ पे लोग वही कर रहे थे और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ अभी मैं जा रही हूँ कुछ खरीदने तो मैं खुद का डब्बा लेके जाती हूँ वो अननेसेसरी वो एक प्लास्टिक का थैला बच जाता है तो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक दैट और एक बार आपने करना शुरू किया तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि आप धरती माँ के लिए एक बड़ा स्टेप ले रहे हो तो देन इट फील्स गुड तो फिर आपको वो बार बार करना अच्छा लगता है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो 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 पीछे बैठ के बोल रहे जैसा हो वैसे आदत हाँ। चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है दूसरा हम ना करते हैं एक रेड लाइट पे अगर एक गाड़ी रुक जाती है ना सारी गाड़ियां रुक जाती गाड़िया अगर एक ने नहीं रोका तो सब लोग बिना सोचे समझे क्रॉस करते हैं कई बार मैं देखता हूँ फ्लाईओवर से ना गाड़ियां वापिस आ रही है ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ हो गया है एवरी वन फॉलोअर्स और आप आगे जाके देखते हो तो वहां कुछ नहीं होता मतलब हमारे you know, yes. हमारे साथ बहुत भेड़चाल हमारे यहां बहुत भेड़चाल है हाँ. कि और मुझे लगता है कि अच्छा काम भी अगर कोई करना शुरू करता है तो लोग फॉलो करते हैं ऐसा नहीं है धीरे धीरे लाइक बेसिकली वो लोगों को ना विलन बनाने से अच्छा अगर आप उन्हें एक मौका दे कि आप इस तरफ आइए आप सोल्यूशन का हिस्सा बनिए डू गुड तो फिर वो छोटे छोटे स्टेप्स में दे आर हैप्पी टू कॉन्ट्रीब्यूट बस आपको वो प्रॉब्लम है वो इतना बड़ा प्रॉब्लम है वो किसी के सिर पे रख देंगे तो वो शायद उसका बोझ नहीं ले पाएंगे बट छोटे छोटे स्टेप्स की अब सिर्फ आपकी आम की गुटलिया कलेक्ट करो हाँ, ये मतलब मेरे को लगता है कि किसी के लिए भी बहुत ईजी है मतलब तो खाई रहे हो, है, सिर्फ हाँ. उसको आपको देना है दोनेट हाँ। कर देना आपने एड्रेस हाँ। भी बता वहां भेज देना। हाँ। कर सकते हैं। क्या तो लोग नेचुरली ये सवाल पूछ रहे हैं तो फिर बाद में शुभजीत और हम भी यही कर रहे हैं कि हाँ हम इसको एक्सपांड करते हैं बाकी सारे लोग बोल रहे हैं की हम ये हमारे एरिया में कर सकते हैं तो आप हमें गाइडेंस दीजिए तो वैसे सारी बातें भी हो रही हैं कि आप आपके एरिया में कर सकते हो यहाँ पे भेजने की जरूरत नहीं तो लोग उसका भी जिम्मा उठा रहे हैं कि हमारे एरिया में तो लोग जामुन के सीड्स कलेक्ट कर रहे हैं अभी कस्टर्ड एप्पल का सीजन आएगा तो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है कस्टर्ड एप्पल के साथ भी कर लेते हैं और अभी से लोग एक्साइटेड है कि हम और कौन से बीज ऐसे लेकर कुछ उगा सकते हैं तो पीपल जब वो खुद से ऐसे सवाल पूछते हैं कि हम, हम और क्या कर सकते हैं आगे ऐसे और कौन से फल खा रहे हैं जिसके हम ऐसे पेड़ लगा सकते हैं तो दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक स्पार्किंग मोर कॉन्वर्जेशन कि हम इसको और बड़ा करते हैं ईयर राउंड करते हैं और ऐसे करते हैं फिर बाद में शुभजीत तो और मेरी ऐसी कॉन्वर्जेशन हुई थी लास्ट ईयर कि हम जो ट्री प्लांटेशन में ब्लैक कलर का थैला यूज़ करते हैं वो कितना अननेसेसरी है वो एक ही बार यूज हो जाता है फिर ट्री प्लांटेशन के समय उसको निकाल के फेंक दिया जाता है और हमारे घर पे काफ़ी सारा अभी लोग शॉपिंग करते हैं तो वो डायरेक्ट पैकेट ही खरीदते हैं वो पैकेट भी काफ़ी अच्छे होते हैं आप अगर आटा वगैरह खरीदते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी डी में गए कुछ भी उठाया तो वो जो थैली होती है वो नेचुरली टफ होती है क्योंकि उसमें फ़ूड आइटम्स होते हैं तो क्यों ना हम वैसे ही कोई चीज़ यूज़ कर सके क्योंकि मैंने ट्राई किया था जब मैंने वो 22 टू मैंगो सीड्स जर्मिनेट किए थे तब मैंने दूध की थैलियाँ यूज़ की थी एंड दैट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम वो नेचुरली टफ थे इतने जल्दी फटे नहीं तो फिर दैन शुभजीत तो उसने कहा ये भी सही है हम ये भी कर सकते हैं तो उन्होंने एक वीडियो बनाया और लोग भी उसको काफ़ी शेयर कर रहे थे एंड शुभ जी तो इसलिए मुझे नौ हज़ार थैलियाँ ऑलरेडी मिल चुकी हैं जो मैं प्लांटेशन में यूज़ कर सकता हूँ सो so, ऐसे ही एक सिंपल आइडिया की वजह से कि हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं क्या तो हमने उस प्लास्टिक को एक सेकेंड लाइफ दे दिया एंड देन ही विल ट्राई कि उसको एक थर्ड लाइफ भी यूज़ कर सकते हैं फोर्थ लाइफ भी यूज़ कर सकते हैं जितना प्लास्टिक ऑलरेडी बाहर है उसको तो हम हटा नहीं सकते लेकिन उसको जितनी बार रीयूज़ करते हैं उतना हम प्लास्टिक का कंजम्पशन और कम करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट लाइक अ स्मॉल क्वेश्चन और वो क्वेश्चन से फिर कन्वर्सेशन शुरू होता है कि हम क्या कर सकते हैं अभी और कोई डिटेल्स या और कोई बात इस प्रोजेक्ट के बारे में जो आप कहना चाहते हैं या जो आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए हम्म एक काफी इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि आ, अभी आ, एक आम का जो पेड़ होता है एक आम का जो एडल्ट पेड़ होता है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में आ, 257 मिलियन टन ऑक्सीजन uh, जो है वो रिलीज करता है और uh, कुछ 81 मिलियन टन ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम करता हाँ सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड 81 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता तो uh, ये जो है ये इतना है जो हम एक एसी सी साल में लगाकर uh, जितना कूलिंग का इफेक्ट देगा उतना कूलिंग का इफेक्ट ये एक आम का पेड़ देता है और हम एक लाख पेड़ों की बात कर रहे हैं तो फिर एक लाख पेड़ों की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर आप सोचिए हमने उन्हें नेचुरल एसी का नाम दिया क्योंकि हम उन्हें ग्रा, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं यानी एक जोक बहुत पहले सुना था कि आ, आ, जब हम लोगों को बता देंगे कि एक पेड़ लगाने से आपको फ्री वाईफाई मिलेगा तो फिर हर कोई पेड़ लगाने लगेगा अनफॉर्चुनेटली पेड़ सिर्फ हमें ऑक्सीजन देता है जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है तो फिर ये जो जोक है ये लोगों तक पहुंचना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में ऐसे ही होता है कि उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपको इमीडिएटली पता नहीं चलता कि एक पेड़ काट दिया तो फिर उससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा वो आपको इमीडिएटली पता नहीं चलेगा लेकिन स्लोली स्लोली जैसे हमारे शहरों में से आ, हरियाली कम होती जाएगी वैसे वैसे अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है हमारे वो बढ़ते जाएंगे और रहा है। मतलब समर्स में हमारे शहरों में इतनी गर्मी होती है रात हर और, साल बढ़ती जा रही है हर साल रात को भी वो टेम्परेचर कम नहीं होता एक्चुअली नासा ने ऐसे स्टडी किया था आप काफी इंटरेस्टिंग बात है कि डेली में जो टेम्परेचर था ड्यूरिंग द नाइट और डेली के आस पास में जो टेम्परेचर था नाइट टाइम के टेम्परेचर में पंद्रह डिग्री का फर्क था बिकॉज uh, गांव में बहुत सारी हरियाली होती है ओपन स्पेस होता है तो वो नेचुरली वो एरिया रात को ठंडा हो सकता है लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में कॉन्क्रीट बहुत होता है घरे होती है सड़कें होती है हरियाली नहीं होती तो वो जो हीट होता है वो वहीं पर ट्रैप हो जाता है एंड फिफ्टीन डिग्रीज इज़ अूज डिफरेंस मतलब फ़िफ्टीन डिग्री ज़मीन आसमान का फ़र्क हो वो जाता वो है तो सर्दी है। और गर्मी का फर्क एग्जैक्टली exactly. हाँ। तो ऐसे सारी चीज़ें हो रही हैं और और ज़रा सी भी बारिश आ गई तो फिर हमारे शहर एकदम स्टैंड स्टिल पर आ जाते हैं रस्तों में पानी हो जाता है एंड ये सारी चीज़ें काफ़ी अवॉइडेबल प्रॉब्लम्स है जो जो हम यू नो अनइंटेंशनली खुद पे ले लेते हैं बिकॉज हम आगे की नहीं सोचते सो बेसिकली द होल एम एस हम ऐसे कॉन्वर्जेसन शुरू करें अबाउट uh, और क्या हो सकता है हाउ वी कैन मेक आर सिटीज़ बेटर सो दैट्स द होल पॉइंट अच्छा अब एक इस ड्राइव के बारे में आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं और हमारे जरिए भी बहुत लाखों करोड़ों लोगों तक ये चीज हाँ। पहुंचेगी बट कुछ आपके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा हाँ, कुछ चीजें जो शायद लोगों को पता नहीं है जो बहुत सारे आपके फैंस भी हैं बिकॉज दे दे सी योर डोंट नो कि आपके क्या लाइक्स हैं आपके क्या डिसलाइक हाउ यू स्टार्टेड एक्चुअली इसका कोई ऐसे मोटिवेशनल आंसर नहीं है इसका काफी रैंडम आंसर है कि आ, हम जस्ट घर पे थे जस्ट हमारी शादी हुई थी हमारी 2018 में शादी हुई और 2019 में हम जस्ट सोच रहे थे कि अभी और क्या करना चाहिए अभी हम और क्या करें तो हमारे आसपास ऐसे दो तीन ऑप्शन थे एक ऑप्शन ये था कि कहीं पर अब्रॉड शिफ्ट हो जाए वहाँ पर कोई ऐसे एक कोर्स एम वगैरह ऐसे कुछ करें और अपने करियर को कुछ नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं लेकिन हमें ऐसे कुछ मिल नहीं रहा था जो हमें आ, प्लेजर भी दे यानी जो कुछ ऐसे फील्ड में हो जिसमें हमें हमें हो, और हमें एक सेम शहर में में रहने का मौका भी मिले, यानी शादी होने के बाद अगर साथ रहना रहना नहीं है, दूर रिलेशनशिप तो, <laughs> <laughs> तो, तो चल जाएगी लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज कैसे होगा तो यानी कुछ मिल नहीं रहा था तो फिर एक मुझे ऐसे स्ट्राइक हुआ कि यूजुअली जब भी हम एक कोई मास्टर्स की डिग्री करते हैं पीएचडी करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं और हम उस समय सोचते नहीं है कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं हमारे जेब में से पैसा जा रहा होता है और हम ये नहीं सोचते कि कितना पैसा आ रहा है हम इस आशा पर चलते हैं कि जो हम ये गैम्बल कर रहे हैं हमारी लाइफ के साथ वो हमें कुछ रिजल्ट आगे फ्यूचर में दे और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो फिर हमें जॉब मिल जाता है हम पैसे रिकवर कर देते हैं हमारा लोन पे ऑफ कर देते हैं और फिर बाद में सब ठीक हो जाता है लेकिन कुछ परसेंट चांस रहता है कि वो सब ठीक ना हो हमें शायद वापस आना पड़े हमें कोई नौकरी ना मिले और जो हमने इन्वेस्ट किया वो एक एक्सपीरियंस तक सीमित रहे तो अगर वैसा रिस्क ही लेना है तो क्यों ना हम और मुझे कुछ मिल नहीं रहा है जो मुझे खुशी दे तो क्यों ना हम खुद ऐसा कुछ डिजाइन करें जिससे हम जो हमें इन्वेस्ट करना है टाइम और पैसा वो इन्वेस्ट करें और कुछ ऐसा करें जिससे हमें गारंटीड खुशी तो मिले एटलीस्ट उस समय के लिए खुशी तो मिले तो उस आइडिया से हमने 2019 में एक हमारा एक हमारा जर्नी प्लान किया हम दोनों को ट्रैवल और वीडियोस वगैरह बनाने में काफी इंटरेस्ट था तो हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम भारत घूमें भारत के कुछ ऐसे जगह ढूंढे ढूंढे जहां पर हमें जाना था जहां की स्टोरीज हमें जाननी थी और अगर हमें उन स्टोरीज में इंटरेस्ट होगा तो शायद और लोगों को भी इन स्टोरीज में इंटरेस्ट होगा तो वो स्टोरीज लोगों को सुनाए तो फिर हमने उस वहाँ से हमने हंड्रेड रीजन टू लव इंडिया नाम की जो हमारी yes. सीरीज थी उसकी हमने शुरुआत की और हमने शुरुआत मेघालय से की तो हमने नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत की हम बहुत सारी ऐसी जगह जगहों पर गए नॉर्थ ईस्ट में गए सिक्किम में गए गुजरात के कुछ कच्छ में गए रन ऑफ कच्छ में गए लद्दाख के कुछ ऐसे जगहों पर गए जो टूरिस्ट की जगह नहीं है लद्दाख जाकर भी हम पैंगोंग लेक नहीं जा पाए क्योंकि हम कुछ ऐसी जगह लद्दाख जाकर हम पैंगोंग लेक नहीं गए हम वहां का कचरे के ढेर में गए हम लद्दाख के लैंडफिल में गए हाँ तो ये सारी वहां की कहानियां हमने सुनाई की लद्दाख का प्रॉब्लम यह है कि लद्दाख का आज आ, जो बहुत सारा इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है लेकिन वहाँ का प्रॉब्लम ये होता है कि ये दो तीन महीने जो होते हैं जून से लेकर से अगस्त सितंबर तक के जो महीने होते हैं वहां पर अचानक से बहुत सारे टूरिस्ट आ जाते हैं और वहाँ का इकोसिस्टम उतना डेवलप हुआ नहीं है कि वो उनका उन टूरिस्ट का कचरा और उनके जो नीड्स हैं वो फुलफिल कर पाए यानी हमें तो प्रॉपर टॉयलेट में जाने की आदत है और वहाँ के जो लोग हैं वो नेचुरल टॉयलेट्स यूज करते हैं तो फिर टूरिस्ट के सुविधा के लिए वहाँ के होटल्स में एक फ्लश से 10 लीटर 15 लीटर पानी जाने वाला टॉयलेट बनाया गया है जबकि वो है एक डेजर्ट वो एक माउंटेन डेजर्ट तो फिर उसका इम्पैक्ट वहाँ की वहाँ के लोगों पर क्या हो रहा है उनको पूरा साल कैसे गुजारना पड़ता है ये डिस्कवर करने के लिए हम वहाँ पर गए तो ऐसी सारी चीजें करते करते हमने पेंडेमिक से पहले एक साल गुजारा और जब ही पैंडेमिक आ गया तो फिर हम हमारे घर में कन्फाइंड थे एक रूम में कन्फाइंड थे और ऑनेस्टली स्पीकिंग बोर हो रहे थे तो हमने वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखा और वैसे ही फिर लोगों को भी अच्छा लगने लगा वी वर लाइक एक एक कुछ और करते हैं एक कुछ और करते हैं चलो कोई और स्टोरी सुना लेते चलो कोई और स्टोरी फिर बाद में किसी ने बोला कि आप ये सब ये सब स्टोरीज तक तो ठीक है बट आप कुछ फैक्ट्स बताओ तो फिर मैंने बोला अभी रुको तो फिर हम लोगों ने पूरा ऐसे ट्रेड स्टेटिस्टिक्स वगैरह लेके सारा एक बहुत ही दस मिनट का पहली बार दस मिनट का वीडियो हाँ। बनाया था अबाउट आत्मनिर्भर भारत जो भी काफ़ी अच्छे से चला फिर हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था अबाउट टिकटॉक क्योंकि उस समय टिकटॉक चल रहा था एंड वी मेड अ वीडियो कि टिकटॉक में काफ़ी सारे सिक्योरिटी फ्लैग्स हैं विद द टर्म्स ऑफ सर्विस और आ, हाउ इट्स कनेक्टेड टू पीपल्स लिब्रेशन आर्मी ऑफ चाइना सो ये सारी तो ये सारे वीडियोज़ धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगे इट स्टार्ट स्प्रेडिंग अमंग द पीपल तो फिर

आ, उसकी कहानी तो यह है हाँ उसकी कहानी यह है कि मेरा पहले वाला आइडिया कम्प्लीटली अलग था कि मैंने ये सोचा कि मैं हर महीने तभी मैं खुद से फ्रीलांसिंग वगैरह करता था तो मैंने सोचा कि हर महीने मैं एक एक हफ्ते का ब्रेक लूंगा किसी अच्छे दूसरे जगह पर जाऊंगा और लोगों को यही एक सवाल पूछूंगा कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ लव ऐसे <laughs> तो इसीलिए नाम हमने पहले फॉलोइंग लव ऐसा लिखा था कि मैंने सोचा था कि लोगों से काफी इंटरेस्टिंग जवाब आएंगे लेकिन लोगों से जब सवाल पूछा गया तो फिर काफी बोरिंग से आंसर्स आने लगे ये आपको पता होगा क्योंकि आप इतने सारे इंटरव्यूज लेते हैं कि आप सोच के तो जाते हैं कि इसके बहुत सारे अच्छे जवाब होंगे लेकिन जब लोग होता है तो उनको सोचता नहीं है वो तो जवाब देने के मेंटालिटी से आए नहीं तो काफी बेसिक से आंसर्स मिलने लगे तो पहले ही दिन वो आइडिया कम्पलीटली फेल हो गया लेकिन फिर भी नाम तो यही एक एक डेढ़ साल के, के लिए नाम यही रहा फिर बाद में मुझे एक मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया कि फॉलोइंग लव काफी जेनेरिक हो गया कि ऐसे याद नहीं रहता ऐसे, following love क्या है तो आपका नाम कुछ ऐसे होना चाहिए जो आपके लिए specific हो और किसी को भी बोलने में आसानी हो जाए तो हमने सोचा कि ऐसा क्या है कि जो हमारे लिए यूनिक भी है और बोलने के लिए आसान भी है तो जब भी हम किसी फॉरेनर फ्रेंड से मिलते थे तो फिर हम दोनों का जो नाम है वो काफी लंबा चौड़ा मेरा नाम अभिराज राजाध्यक्ष है और माय नेम इज सो ये तो उनको प्रोनाउंस करने नहीं होता था तो जब भी, भी हम so, किसी दोस्त से वगैरह मिलते थे तो फिर मैं उनको बोल देता था कि आपसे नहीं हो पाएगा तो फिर मुझे आप अभी बोल दीजिए बस तो फिर मैं अभी ऐसे करके इंट्रोड्यूस करता था खुद को और ये भी नी, बिकॉज़ वो मुझे आ रहे थे मेरे उस दोस्त ने बोला था कि कुछ चेंज करने का सोचो और मैंने इंस्टाग्राम पर ट्राई किया न्यू अवेलेबल है क्या तो अवेलेबल था तो फिर वो बुक कर दिया क्योंकि जैसे इंस्टाग्राम पर आईडी सारे यूनिक होते हैं

एंड ही वॉज़ लाइक की मैम मैं भी कॉमर्स में एजुकेशन नहीं लेना चाहता आई एम गोइंग टू ट्राई मास मीडिया सो उस मोड पर थे जब दोनों कंप्लीटली अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाले थे बिकॉज आई वॉज गो परस्यू सी ए और मैं पास आउट होने वाली थी कॉलेज से और ये दूसरे कॉलेज में जाने वाला था सो इट वॉज एट दैट पॉइंट दैट वी मेट फिर रोट्रैक के एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते करते वी वर डूइंग इट टुगेदर एंड देट्स वेन वी वर लाइक सुपर लाइक वी वरली अट्रैक्टेड टू इच अदर बट ऐसे कुछ हुआ नहीं बट लोग हमेशा ऐसे ही चिढ़ाते थे मुझे चिढ़ाते थे कि अरे तेरा अविराज का है यार बस मेरा अविराज नहीं है वो <laughs> so that's how it started so dating की पांच छः साल हाँ uh, नहीं सात साल सात साल yeah. हाँ so uh, हम 2011 से 2018 तक एक साथ थे 2018 में हमारी शादी हो गई और उसके बाद शादी को भी पांच साल हो गए तो अच्छा एक चीज मुझे थोड़ी सी समझ नहीं है कि चैनल आपने स्टार्ट किया हाँ. उससे पहले आप लोग अपने अपने करियर कर रहे थे या क्या करना चाहते थे? तो न्यू का थोड़ा सिंपल है CA, फिर मैंने स्टार्ट किया, तो फिर मैंने मेरी एक स्टार्टअप में जॉब लग गई थी हाउसिंग डॉट कॉम में तो फिर वहाँ काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रही हूँ और फिर नहीं काम तो वैसे ठीक ठाक ही था बट आई एवस लाइक कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ मुझे आते समय ऑफिस मेरा पवाई में था सो देन आई एवस लाइक आने में मुझे इतना समय लग रहा है जाने में ट्रैफिक मिल रहा है और यही मेरी लाइफ होगी क्या आगे के पंद्रह बीस सालों के लिए सावस लाइक like, नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है तो छः महीने के बाद आई क्विट एंड देन आई स्टार्टेड फ्रीलांस राइटिंग Okay. क्योंकि uh, मेरे आर्टिकलशिप के टाइम पे आई यूज़ टू राइट लॉट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड स्टफ एंड लोगों को भेजती थी तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था एंड हां यू शुड राइट तो फिर मैंने ऐसे फ्रीलांस राइटिंग करना okay. शुरुआत किया

बीच पे बैठूंगा और मेरी ये सुंदर व्यू रहेगी और मैं बस दो घंटे काम करके लॉग ऑफ करूंगा ऐसा नहीं होता ऐसा <laughs> नहीं होता <laughs> आप बीच पर भी ऐसे ही बैठोगे अरे यार ये काम करना है अरे फोन लोगे लैपटॉप पे बैठ के काम करोगे सो लाइक दैट्स डजेंट वर्क एंड व्हाट यू वर डूइंग बिफोर द चैनल मैं पहले भी वीडियोस ही बना रहा अच्छा, था लेकिन मैं लोगों के लिए वीडियोस बनाता था गॉट फ्रीलांसिंग तो, हाँ तो आ, उसमें होता ये था कि अक्सर ऐसी फीलिंग आती थी कि अरे मैं तो इस आ, फील्ड में क्रिएटिविटी के लिए आया था लेकिन यहाँ पर मुझे एक्सप्रेस होने का कहीं पर मौका नहीं मिल रहा तो वो थोड़ा सा आ, सेटिस्फैक्शन uh, नहीं था वहाँ पर तो ऐसे ही uh, यानी पूरा एट वंस मैंने ऐसे उतना बड़ा जंप नहीं लिया कि सब कुछ uh, बंद करके यूट्यूब करना है या फिर ऐसे कुछ करना है पहले धीरे धीरे शुरुआत की थी uh, वो डेढ़ दो साल के लिए हमने वैसे ट्राई किया लेकिन uh, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम नुसायर है uh, जो एक uh, uh, इसराइल से ट्रैवल ब्लॉगर है उसने मुझे कहा कि जब तक आप कंप्लीटली ऑल इन नहीं करते तब तक आपसे वो dedication भी नहीं आएगा और वो वैसे हो जाएगा कि जैसे अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो फिर जब तक आप फ्लोटर वगैरह उतार कर सीधा पानी में नहीं जाते तब तक आप स्विमिंग नहीं सीख पाओगे तो फिर जब आप बाकी के सारे ऑप्शंस कट ऑफ करके जब आप पानी में जंप करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या आप स्विमिंग सीख पाओगे नहीं तो इसीलिए ये जो हमने आठ महीने का गैप लिया था हंड्रेड रीजन टू इंडिया तो वो यही था कि हम सोचेंगे नहीं कि इससे कमाई क्या हो रही है ये बस हम मेमोरीज बनाने के लिए कर रहे हैं कि अगर कुछ वर्कआउट नहीं हुआ तो एटलीस्ट सत्तर साल बाद हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि हमने कोशिश नहीं की क्योंकि आई थिंक वही रिग्रेट ही, ही रहता है कि मेरे पास टाइम था बट तभी मैंने वो रिस्क नहीं लिया कुछ भी हो आई मीन दिस इज़ नॉट ओनली कि आप जॉब क्विट करके बिजनेस शुरू करो बट आपने वो हॉबी कभी परस्यू नहीं की आपको वो कहीं जाना था एक छोटा ट्रिप लेना था आपने नहीं किया आपने आपके लाउड वंस के साथ टाइम नहीं बिताया वही रिग्रेट होता है जिन चीज़ों को आपने नहीं किया उसके बारे में रिग्रेट होता है जो आपने कर लिया वो ठीक है कर लिया आपने मतलब आपने अगर कोई एग्जाम दिया तो नहीं नहीं लेकिन, मतलब लेकिन आप नहीं सीख पाए तो वही लगेगा की यार वो कॉलेज में थे तब वो गिटार सीख लेते तो फिर कुछ हाँ, और ही हो जाता शायद अभी आप लोग कॉन्टेंट क्रिएट करते कैसे कैसे आइडिया आता एक वीडियो अगेन इसका हाँ, कोई भी ऐसे हाँ, ग्लैमरस आंसर है ही नहीं इसका आंसर काफी बोरिंग सा आंसर तो है तो है तो कि कहीं तो, से भी आइडिया कहीं से भी आ सकता है आइडिया कभी कभी तो लोगों के कॉमेंट से भी आइडिया आ जाता है बिल्कुल आता है लोगों के कॉमेंट से आइडिया आ जाता है या फिर जब हम ट्रेवल कर रहे थे तभी अक्सर ये हुआ करता था कि हम इंस्टाग्राम पर सवाल पूछा करते थे कि अभी हम केरला में इस शहर जा रहे हैं और आप हमें बताइए अगर आप इस शहर से हैं कि क्या करना चाहिए तभी हम मीटअप्स वगैरह करते थे जिस भी नए शहर शहर में जा रहे हैं तब लोगों से पूछा करते थे कि आप क्या करना चाहते तो अभी भी जैसे धीरे धीरे पैंडमिक खत्म हो रहा है अभी भी हम जब नए किसी शहर जाते हैं तो हम ऐसे मीटअप्स ऑर्गेनाइज करते हैं वहां पर लोग आते हैं और जब ऐसे वन ऑन वन मीटिंग होती है तो लोग काफी जेन्युन सजेशंस देते हैं वो काफी दिल से आने वाली सजेशंस होती हैं क्योंकि उनको भी एक चेहरा होता है वो एक इंटरनेट पर ऐसे बेनाम लोग नहीं होते, वो उनकी खुद की एक आइडेंटिटी सामने आती है तो फिर वो काफी दिल से बात करते हैं तो जो भी दिल से आता है तो वो एक काफी डीप और गहरा सजेशन होता है तो फिर वहां से हमें काफी सारे आइडियाज आते हैं और हमारा एक ऐसा कंप्लीट लिखा हुआ इसका नोटबुक होगा मेरे हाँ। कंप्यूटर पर किधर लिखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो आइडियाज तो है लेकिन जिन पर हमने काम नहीं किया हुआ है अभी तक और काफ़ी बार ऐसे क्यूरियोसिटी रहती है कि इस टॉपिक के बारे में क्या है उस टॉपिक के बारे में क्या है जैसे अभी हीट वेव्स हो रहे थे जैसे फेबर के महीने में हीट वेव्स हो रहे थे तो यही सवाल था कि हीट वेव होता क्या है मतलब हीट वेव कब ऐसे एक सिचुएशन आती है जब हीट वेव होता है और उसको डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो दैट्स uh, वो ही वो जो एक क्वेश्चन था कि ये हीट वेव होता क्या है और ये क्यों होता है तो इसी के वजह से लाइक इट्स अ रैबिट होल कि वो क्या है हीट वेव क्या है क्यों होता है हमारे शहरों में क्यों होता है और कैसे काउंटर कर सकते हैं तो बेसिकली वही सारी लाइक इट ऑल स्टार्ट्स विद वन क्वेश्चन तो हर वीडियो uh, जो हमारा होता है वो एक क्वेश्चन से शुरू होता है लाइक अ जेन्यून क्यूरियोसिटी फॉर अस कि हाउ डज़ दिस वर्क ये कैसे होता है वो कैसे होता है या फिर कोई जो भी अगर हम कोई न्यूज पढ़ रहे हैं वगैरह वैसे तो फिर उसमें वो क्यूरियोसिटी होती है कि इसका क्या मतलब है इसको हम कैसे डी कर सकते हैं तो इट ऑल स्टार्ट विद डेट तो अपने अपने आप खुद ही दिखते बनाते हैं एक दूसरे के विडियोज में भी रहते हैं। हाँ नहीं अभी अक्सर अभी ऐसा शुरू हुआ है कि हम दोनों की थॉट प्रोसेस और हम दोनों की काम करने का तरीका काफी अलग है तो फिर कुछ वीडियोस पर न्यू काम कर रही होती है कुछ वीडियोस पर मैं काम कर रहा होता हूं और अभी हम ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं कि हम ज्यादा हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती यानी मुझे पता है कि कौन सी चीजों में मुझे थोड़ा हाथ लगाना पड़ेगा न्यू को पता है कि कौन सी चीजों में उसको थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा हालांकि वो उस टॉपिक पर मैं काम कर रहा हूं। तो अभी हम उस लेवल तक पहुंच गए अभी हम धीरे-धीरे वैसे थोड़ा टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे अभी कुछ एडिटर्स काम कर रहे हैं हमारे साथ कुछ राइटर्स है, है।, है, है तो वो कोना छूटना नहीं होता आ, कोई अगर मदद करने के लिए होता है और अगेन अलग पर्सपेक्टिव वो इस हिसाब से भी होता है कि हम मुंबई में पले बढ़े हैं तो हो सकता है कि हमारे जो सारे पर्सपेक्टिव्स हो वो एक शहर से आते हैं हो सकता है कि हमारे जो राइटर्स हैं वो क्योंकि वो दूसरे शहर में बिलोंग करते हैं या फिर दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं तो उनका कोई एक अलग पर्सपेक्टिव उस हिसाब से हो सकता है तो अक्सर ऐसा होता है कि उनके काम में से सारा का सारा काम अगर यूज भी ना हो तो फिर एक ऐसा कोई पॉइंट मिल जाता है जो मेरे दिमाग में भी ना आया हो तो वैसे अक्सर होता है एक बात बताइएगा आप आप सच सच मतलब अब दोनों साथ में काम करते हैं चौबीस घंटे बीवी साथ में रहती है कैसा लगता है नहीं आ, वो एक काफी हाँ सही मैं बोलता हूँ मैं हमेशा सब लोगों को यही कहता हूँ कि आपको आ, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए यानी दिस इज अ वेरी बैड आइडिया कि आप आपके लाइफ पार्टनर को आपका बिजनेस पार्टनर बना दें क्योंकि मैं ऑनेस्टली काफी लकी हूँ क्योंकि ये जो हमारा विजन था वो हमेशा ऐसे ही होता है कि कोई एक आगे चलता है और दूसरे बंदे को उसको पीछे से सपोर्ट करना पड़ता है तो ये जो शुरुआत में वीडियो बनाने की आइडिया वगैरह थी वो मेरी आइडिया थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वीडियो वाला था न्यू का बैकग्राउंड वीडियो का नहीं था लेकिन उसने वहां पर भरोसा दिखाया और उसने जब हम हंड्रेड तो इंडिया की समय ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे पास इनकम सोर्स तो कोई था नहीं क्योंकि मोनिटाइजेशन कुछ हुआ नहीं था कोई ब्रांड इतने पांच हजार फॉलोअर्स के साथ किसी को ब्रांड डील्स नहीं देने वाले थे हमारा पहला जो ब्रांड क्लैप था मुझे याद है उसके लिए तीन हजार रुपए हमें मिले थे तो आ, वैसी जो सारी चीजें थी तभी न्यू वॉज द वन हु सेड की ऐसे जा सिमरन जा जीले अपनी जिंदगी अच्छा। और मैं ट्रैवल करते करते राइटिंग करूंगी फ्रीलांसिंग कर कंटिन्यू करूंगी और मैं आ, वो इनकम कंटिन्यू रखूंगी तो ऐसा पार्टनर मिलना एक काफी रेयर बात होती तो वो आ, सब सबके नसीब में नहीं होता तो अगर वो नहीं हुआ और लकीली हमारे लिए सब ठीक ठाक बहुत जल्दी हो गया बहुत जल्दी इन द सेंस दो साल में ठीक ठाक हो गया अगर वो किसी के साथ ना हो तो फिर आप सारी चीजों को रिस्क कर रहे हो कि आप आपके पर्सनल लाइफ को भी रिस्क कर रहे हो और आपका बिजनेस तो रिस्क में है ही तो इतना सारा यानी यूजुअली लोगों के पास क्या होता है कि अगर कोई कहीं पर जॉब कर रहा है तो फिर आठ बजे उसका जॉब खत्म हुआ सपोज और वो घर पर आ गया तो फिर वो ऑफिस के टेंशन वहां पर छोड़ के घर पर जाकर रिलैक्स कर सकता है उसकी फैमिली उसके लिए एक एस्केप होती है बट हमारे लिए आ, हम ये हमारा स्टूडियो तो बंद कर सकते हैं लेकिन हम हाँ, तो हम 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 ही रहते हैं। वही, वही चीज पूछ रहा था कि कि हाँ, वो ऐसा नहीं लगता कि हमें अपना जो टाइम होता है हाँ, कहीं कहीं ना उसमें भी सो हम... so, उसके लिए हम ये करते हैं कि कई लोग ऐसे मानते हैं कि रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए आपको आपके सिग्निफिकेंट अदर के साथ चीजें करनी चाहिए हमारा परसपेक्टिव थोड़ा अलग है हम कहते हैं कि अगर आपको आपका रिलेशनशिप अच्छा रखना है तो आप ऐसे चार पाँच चीजें पकड़िए जो आप आपके सिग्निफिकेंट अदर के साथ नहीं करते बिकॉज़ फिर क्या होता है कि फॉर uh, एग्ज़ाम्पल इसको पसंद है मूवीज़ देखना या बाइक राइड्स पे जाना और मुझे पसंद नहीं है तो वो चले जाता है वहाँ पे एंड आई कैन सिट एंड एन्जॉय माई ओन टाइम या फिर मुझे कहीं सपोज uh, मेरे फ्रेंड से मिलना है एंड ही डज मोन अ कम और वट एवर या फिर वो मेरी फ्रेंड्स है और वो इसको जानता भी नहीं है तो आई विल गो फॉर दोज डिनर्स आई विल एन्जॉय माई टाइम आउट थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है एंड देन ही इज़ एट होम सो वो जो छोटी छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं वेर यू आर डूइंग योर ओन थिंग तो फिर ऐसा लगता है कि देन यू हैव समथिंग न्यू टू कम एंड टेल कि अरे मैं बाहर गया था ये yeah. हुआ मैं बाहर गया वो हुआ uh, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ वैसा एक्सपीरियंस हुआ मैं प्लेन में जा रही थी और मेरे बाजू में जो पैसेंजर बैठा था वो इतना लाइक like, बातें yeah. कर रहा था मुझे नींद नहीं आ रही थी एंड ही हैड वोन लाइक दिस बैड हेयर ऑयल्स ही स्मेलिंग सो ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं बताने के लिए कि लाइक दिस हैपेड दैट दैट है Like constantly, अगर आप एक ही बंदे के साथ रहते हो तो फिर देन, eventually, it starts feeling like... so, वो रखने के लिए it's very important कि आप रिलेशनशिप की मतलब शुरुआत में, में कि हमें सारी चीजें एक साथ करनी चाहिए हमें ऐसे दिन में सुबह उठने के बाद जिम जाने से लेकर रात तक सोने तक सब चीजें ऐसे शेयर करनी चाहिए एक दूसरे के साथ लेकिन अभी ऐसा लगता है कि बिकॉज हम हालांकि हम 12 साल से एक साथ हैं लेकिन फिर भी उन 12 सालों के पहले जो मेरे लिए 18 साल और उसके लिए 20 साल जो हमने एक अकेले से गुजारा है वहाँ पर जो हमारी अपब्रिंगिंग है वो काफी अलग सी रही है तो फिर वो अलग सी होने की वजह से जो मेरी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस है और उसकी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस है वो अलग सी हो सकती है और मुझे उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और उसे मेरा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा तो फिर जो चीजें मैं करना एंजॉय करता हूँ वो मैं उस पर थोपता नहीं हो कि आपको भी ये चीजें एंजॉय करनी चाहिए और आपको इसी तरह से करनी चाहिए और वो भी नहीं करती और अच्छी बात यह है कि अभी हम दोनों में वो अंडरस्टैंडिंग आ गया है कि अगर कोई इवेंट हो रहा है यानी फैमिली इवेंट भी हो रहा है और अगर मुझे नहीं आना है तो फिर मैं फ्रीली उसे बता सकता हूँ कि मुझे नहीं आना है इस इवेंट के लिए और वो मैनेज कर लेती है हाँ ठीक और अगर सिमिलरली अगर मेरे साइड में ऐसे कुछ हो कि वर्क रिलेटेड या फिर फैमिली रिलेटेड ऐसे कुछ हो तो वो कह सकती है कि नहीं आना है हालांकि अक्सर मैं ही होता हूँ जो कहता हूँ मुझे नहीं आना है <laughs> चलिए इसी तरीके से गुड गुड चले सब और आपकी जो yes, ड्राइव yes, है haan. वो बहुत सक्सेसफुल्स इनिशियो मच फॉर सपोर्टिएट फॉर एंड ऑल सपोर्ट इज देयर और आगे भी हम कोशिश करेंगे आप ऐसी सक्सेस भी होगी आई थिंक देन ऑल्सो विल Up on definitely. this, Handy. definitely. Definitely, definitely. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for It was lovely talking to you. Thank you Thank so you. Much. So